हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। एंड टुडेज टॉपिक इज वेज टू से थैंक यू। इट मींस देर आर सो मेनी वेज टू से थैंक यू। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत ऐसे आपको एक्सप्रेशंस हैं। इसके अलावा भी जो आप थैंक यू बोलते हैं, ओनली आप थैंक यू बोलते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। देखिए, सो यू डिड नॉट से थैंक यू ओनली, यू डोंट हैव टू से थैंक यू ओनली। जो भी तक आप थैंक यू बोलते थे, ज़रूरी नहीं कि वही थैंक यू बोला जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे इम्प्रेसिव और एक्सप्रेशंस हैं। जैसे कि मैंने बताया था, सॉरी, थैंक यू या प्लीज़ के साथ ओनली केवल सॉरी, थैंक यू प्लीज़ नहीं बोलना, बल्कि कुछ और शब्द भी बोलना है जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा जाए और अच्छा माना जाता है। जैसे कि थैंक यू फॉर कमिंग हेयर, थैंक यू फॉर योर काइंड हेल्प, या आपने सॉरी बोला, ओनली सॉरी नहीं बोलना है, सॉरी है ना, इट्स डन बाई मिस्टेक। मैंने आपको बताया था सॉरी इट्स डन बाई मिस्टेक। ओके, सो लेट्स गो अहेड टुडेज टॉपिक। देखिए, थैंक्स अलॉट, धन्यवाद देने का पहला क्या है, थैंक्स अलॉट, थैंक यू के अलावा। थैंक्स अलॉट इसका मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच का भी मतलब वही हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है थैंक यू वेरी मच, इसका भी सेम सेंस है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आगे मैनी थैंक्स, मैनी थैंक्स का मतलब होता है बहुत सारा धन्यवाद, मतलब कईयों धन्यवाद, ढेरों, जैसे बधाई आप देते ढेरों बधाइयाँ, वैसे ढेरों धन्यवाद। ठीक है, तो ज़्यादा हिंदी में सेंस में नहीं जाते हम लोग, और कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में ही इसका सेंस निकालेंगे कि बहुत सारे वेज हैं टू से थैंक यू। अगला देखिए, थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, थैंक्स अ टन फॉर हेल्पिंग आउट, इसका मतलब हुआ कि आपने जो मदद किया उसके लिए टनों धन्यवाद। टन समझते ना, टन, टन जो होता वजन में है ना, थैंक्स ए टन, यानी टनों धन्यवाद, एक टन धन्यवाद, इस तरह से आप अर्थ निकालेंगे, मतलब वही होगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो एक्सप्रेशन हमारे हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग लिखने के तरीके हैं, अलग अलग फ्रेजेज हैं। आगे देखिए, आई कांट थैंक यू एनफ, आई कांट थैंक यू एनफ का मतलब होता है मैं कैसे आपका धन्यवाद दूँ। आई कांट थैंक यू एनफ, एनफ माने पर्याप्त होता है, यानी पर्याप्त धन्यवाद आपका नहीं दे सकता, इसका मतलब है मैं आपका धन्यवाद कैसे दूँ, यानी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। अगला है ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, ठीक है, यानी मेरा बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिले, ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू। फिर अगला है वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, एक और दूसरा मैंने नहीं लिखा, ये भी हो सकता है कि आई कांट डिस्क्राइब हाउ थैंकफुल आई एम, या आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स हाउ थैंकफुल आई एम, यानी मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपका कितना आभारी हूँ। थैंकफुल मीन्स आभारी होना होता है हिंदी में। फिर आगे एक शॉर्ट है, शॉर्ट फ्रेज है चेयर्स, चेयर्स माने होता है खुशी, प्रसन्नता, यानी धन्यवाद। जब आपने किसी के लिए कुछ किया तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यानी आप प्रसन्न हुए, भाई मैं खुश हुआ आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मेरी मदद की, तो चेयर्स, इसका भी मतलब धन्यवाद होता है, यानी मैं प्रसन्न हुआ। आगे है प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स, प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स, ठीक है, जिसका मतलब हुआ कि मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, यानी मेरा धन्यवाद आप स्वीकार करें। एक्सेप्ट में स्वीकार करना होता है, लेकिन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, ठीक है, तो प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट थैंक्स। आगे है यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट का मतलब होता है मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आप कितने महान हैं, है ना, यू आर ग्रेट मीन्स आप कितने महान, अर्थात आप बहुत महान, यू आर ग्रेट, आप बहुत महान हैं। फिर आगे है यू हैव मेड माई वे, यू हैव मेड माई वे, सॉरी यहाँ वे नहीं होगा, वे भी हो सकता है, आप डे भी कर सकते हैं, यू हैव मेड माई वे, या आप डी ए वाई भी कर सकते, डे, ठीक है, दोनों चलेगा, यानी आपने मेरा वे बना दिया, आपने मतलब मेरा रास्ता बना दिया, या आपने मेरे लिए सहूलियत पैदा कर दी, यू हैव मेड माई वे, या आप कर सकते हैं यू हैव मेड माई डे, जो डी ए वाई होता है ना, डे माने दिन, तो यू हैव मेड माई डे माने मेरा दिन जो है खुशहाल हो गया, कहने मतलब आपने मदद की, मेरा दिन जो है खुशहाल हो, मदद की मतलब किसी तरह से उसने आप के लिए कार्य किया तो आप थैंकफुल हो गए उसके, तो यही होगा यू हैव मेड माई वे, ये आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं थैंक अपना इस लहजे में कह करके कि यू हैव मेड माई डे या मेड माई वे।
अगला है आई रियली अप्रिसिएट यू, ये बहुत ही जाना पहचाना है, परिचित है, फैमिलियर है, अक्सर लोग इसे बोलते हैं, आप भी इसे बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है, बिंदास, नो टेंशन, ठीक है, आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिसिएट यू। अप्रिसिएट माने होता है तारीफ करना, प्रशंसा करना, यानी वाकई में मैं आपकी तारीफ करता हूँ। अब वाकई में आपकी तारीफ करता हूँ मतलब जो काम आपने किया होगा उसके लिए मैं अप्रिसिएट करता हूँ, एडमायर करता हूँ, आपकी तारीफ करता हूँ, तो आई रियली अप्रिसिएट यू। नेक्स्ट है आई एम इन योर डेट, डी ई बी टी, इसको डेब्ट नहीं पढ़ना आप लोग, डेब्ट नहीं पढ़ना, इसको डेट पढ़ेंगे। आई एम इन योर डेट, इसका मतलब है मैं आपका कर्जदार हूँ, मैं आपके कर्जे में हूँ, मतलब कि आपने मेरी मदद की या आपने मुझे मदद पहुँचाई जिसके लिए मैं आपका कर्जदार हूँ, ये भी धन्यवाद देने का एक तरीका है कहने का, आई एम इन योर डेट। फिर अगला है यू आर द बेस्ट, यानी आप सबसे अच्छे हैं, आपने उसकी तारीफ की सामने वाले की है कह करके, तो फिर धन्यवाद देने के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, ऐसे सेंटेंसेस बोलेंगे तो थोड़ा हट करके है, थोड़ा मॉडर्न है और आदमी को अच्छा भी लगेगा, तो यू आर द बेस्ट। फिर अगला है थैंक्स अ मिलियन, फिर वही थैंक्स अ टन वाला आ गया, थैंक्स अ मिलियन, यानी आपको मिलियन धन्यवाद, है ना, आपको हजारों लाखों धन्यवाद, ऐसा बोल सकते हैं इसका मतलब। फिर अगला है आपका यू आर एन एंजल, यू आर एन एंजल माने आप देवदूत हैं, एंजल मतलब क्या होता है, देवदूत, आप देवदूत के समान है, यानी मेरे लिए भगवान हो गए, ऐसा बोल देंगे तो भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद में आ गया। फिर थैंक्स ए बंच, थैंक्स ए बंच का मतलब, बंच माने जानते हैं गुच्छा होता है, ठीक है, किसी चीज़ का गुच्छा, तो थैंक्स ए बंच, इसका मतलब भी बंच माने वही कोटि कोटि धन्यवाद। फिर अगला है आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, यानी मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो माने मैं नहीं जानता हूँ, हाउ टू थैंक यू कि मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूँ या मैं आपको धन्यवाद कैसे दूँ। तो इस तरह से ये सारे फ्रेजेज हैं, आप बोल सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं, इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और आराम से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम 4-5 तो अलग अलग आप यादी कर लीजिए, इसमें जो बहुत ज़्यादा बोला जाता मैं टिक कर सकता हूँ आपके लिए, आप बोल सकते हैं आई रियली अप्रिशिएट यू, ये हो सकता है आपका, आई डोंट नो ये अच्छा है, हाउ टू थैंक यू। फिर अगला है आपका ऑल माई लव एंड थैंक्स टू यू, फिर अगला हो जाएगा थैंक्स अलॉट, जो कि बहुत चलता है, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, ये ऊपर वाले बहुत सारे चलते हैं, हमेशा चलते हैं, ये तो आपको याद भी हो गया होगा शायद, थैंक्स अलॉट, थैंक यू सो मच या थैंक यू वेरी मच, और मैनी थैंक्स बहुत कम लोग बोलते हैं लेकिन आप कह सकते हैं, ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा आई कांट थैंक यू एनफ, तो ये 4-5 हैं जिनको आप अच्छी तरह से रट करके और आराम से बोलिए और अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं।